यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले बैंक कर्मचारी दो दिन की हड़ताल पर हैं। मैं राजकुमार महेंद्रू, ऑल इंडिया ओरिएंटल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। जैसे आपको पता है, पिछले बजट के अंदर वित्त मंत्री ने ये घोषणा करी थी कि एक LIC, एक इंश्योरेंस कंपनी और दो बैंक्स वो प्राइवेट करने की ओर जा रहे हैं, और उसी टाइम में हमने प्रतिरोध किया था कि हम बैंकों को प्राइवेट नहीं होने देंगे, ये देश की धरोहर है। परंतु उसके खिलाफ जाते हुए अब की बार के सत्र के अंदर ये उम्मीद की जा रही है कि बैंकों के निजीकरण का बिल सरकार पेश करेगी। इसी के विरोध में सांकेतिक रूप से बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर 16 और 17 की UFBU, जो हमारा संगठनों का एक छतरी है, सब यूनियंस का मिलकर एक छतरी बनी हुई है UFBU, उसने आह्वान किया है और आज सारे बैंक इसी वजह से बंद हैं। 16 17 के सांकेतिक हम संकेत दे रहे हैं अपने सरकार को, उनको चेता रहे हैं कि आप किसी भी ढंग से निजीकरण का बिल इस सत्र में पेश ना करें, कभी ना पेश करें, इसे विड्रॉ करें, नहीं तो हम लोग इनडेफिनेट स्ट्राइक पर चले जाएंगे, इस बैंकिंग इंडस्ट्री को हम पैरालाइज कर देंगे, बैंकिंग के अंदर कोई भी कार्य हम होने नहीं देंगे। इसलिए हमारा सरकार से यही निवेदन है कि वो इस देश की धरोहर है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, उनको इसी स्वरूप में रहने दे और वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ अग्रसित ना हो। ये हड़ताल दो दिवसीय रहेगी और तब तक बैंक में कार्य प्रभावित रहेगा, जिसके लिए जनता को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। कैमरामैन किशन सुधन के साथ वाणी चौधरी, जनवाणी न्यूज़, मेरठ।